शाम के 7:15 बजे हैं, हम आ पहुँचे हैं हर सिद्धि देवी के मंदिर में, हर सिद्धि माता के मंदिर में। हर सिद्धि माता जो हर सिद्धि को देने वाली हैं, ऐसी हर सिद्धि माता के दर्शन अब हम करेंगे। और यहाँ आप देखिए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिए आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, हम लोग मंगलनाथ मंदिर से हर सिद्धि मंदिर जा रहे हैं और आज के उज्जैन टूर का ये हमारा आखिरी स्पॉट है जहाँ हम हर सिद्धि देवी के दर्शन करेंगे। तो हर सिद्धि देवी के दर्शन करने हम चल रहे हैं, आइए जानते हैं हर सिद्धि देवी के बारे में। हर सिद्धि देवी का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पीछे पश्चिम दिशा में स्थित है। तंत्र साधना की दृष्टि से भी उज्जैन में माँ हर सिद्धि का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। माता हर सिद्धि का मूल मंदिर द्वारका में है, जहाँ से राजा विक्रमादित्य ने उन्हें प्रसन्न करके उज्जैन लेकर आए थे। कहते हैं माता हर सिद्धि सुबह द्वारका पहुँच जाती हैं और शाम को वापस उज्जैन आ जाती हैं, इसलिए आज भी सुबह की पूजा हर सिद्धि मंदिर द्वारका में होती है और शाम की पूजा हर सिद्धि मंदिर उज्जैन में होती है। जय हर सिद्धि माँ। हर सिद्धि को देने वाली हर सिद्धि माता के मंदिर में अब हम प्रवेश कर रहे हैं और दर्शन करेंगे हर सिद्धि देवी के, हर सिद्धि माता के। जय हर सिद्धि माँ। बहुत भीड़ है, संभवतः आरती हो रही है। और ये जो मीनारें आप देख रहे हैं, ये शिखर पर देखिए दीपक कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दीप स्तंभ लगे हुए हैं, देखिए किस तरह इन पर दीपक लगाए जाते हैं। यहाँ का आकर्षण, मुख्य आकर्षण है ये दीपक जो शाम को अपनी अलग ही छटा बिखेरते हैं। हर सिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थीं। कहा जाता है कि हर 12 वर्षों में राजा विक्रमादित्य अपना सर काटकर माता के चरणों में चढ़ा देते थे और माता की कृपा से उनका सिर वापस आकर उनके धड़ से जुड़ जाता था और वे फिर से जीवित हो जाते थे। 11 बार राजा विक्रमादित्य ऐसा कर चुके थे। 12वीं बार जब उन्होंने हर सिद्धि माता को अपना सर काट कर चढ़ाया तो वह सर वापस आकर उनके शरीर से नहीं जुड़ा और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। हर सिद्धि देवी के मंदिर में आज भी सिंदूर लगे 11 मुंड रखे हैं जो राजा विक्रमादित्य के सर कहे जाते हैं। अब मैं आपको हर सिद्धि देवी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार चंडमुंड नामक राक्षसों ने बहुत भयंकर उत्पात मचाया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया, यहाँ तक कि स्वर्गलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। किंतु उनकी महत्वाकांक्षा इससे पूरी नहीं हुई, वे कैलाश विजय करने कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। बाहर नंदी ने रोका, भगवान शिव और पार्वती द्यूत कीड़ा में रत थे, किंतु वे नंदी को घायल करके और अंदर पहुंच गए। जब भगवान शंकर ने देखा कि नंदी को घायल कर दिया है चंडमुंड ने और अंदर आ गए हैं, तो उन्होंने चंडी देवी का स्मरण किया। भगवान शंकर के चंडी देवी को स्मरण करने पर चंडी देवी तत्काल प्रकट हुई और घमासान युद्ध हुआ चंडी देवी और चंडमुंड के बीच। चंडी देवी ने चंडमुंड का वध कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज से तुम हर सिद्धि के नाम से जानी जाओगी। बहुत खूबसूरत।
दीपक में जा रहा माँ हर सिद्धि देवी के मंदिर में। ये दीपक बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ये भी आकर्षण है आरती के समय दीपकों को देखना। आरती हो रही है हर सिद्धि माता की, तो हम माँ हर सिद्धि के दर्शन करेंगे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और अंदर शूटिंग करना होना है, फिर भी देखते हैं हम कितना शूट कर पाते हैं। दोस्तों, एक दिन के उज्जैन टूर में हमने सबसे पहले महाकालेश्वर के दर्शन किए, उसके बाद चिंतामन गणेश मंदिर गए, वहाँ से काल भैरव के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन करने के बाद मंगलनाथ सांदीपनी आश्रम और हर सिद्धि देवी। अब हम जा रहे हैं वापस होशंगाबाद। दोस्तों, उज्जैन के वीडियोस कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।